कि ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, इसमें थियोरटिकल पार्ट ना के बराबर होता है बेटा, दो तीन लेक्चर थियोरटिकल होंगे, बाकी ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एंटायरली प्रैक्टिकल। इसलिए मैं आपको यहाँ पर जितनी चीजें लिखा रहा हूँ दैट मच इज सफिशिएंट। यू विल बी हैविंग बुक्स इन व्हिच थियरीज आर आल्सो देयर बिफोर चैप्टर्स, यू डोंट हैव टू रीड दोस थियरीज एट ऑल। मजा भी आता है, खूब आसानी से हो भी जाता है। यस मैडम, सो गाइस इफ यू आर रेडी लेट्स बिगिन। क्या आप शुरू करें? तो एक बार शुरू करते हैं बेटा मोदी जी को बुला के। मेरे भाई और बहनों, आज हम आदित्य सर के साथ स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाएंगे सर। बहुत मजा आएगा आप लोगों को और ये चैप्टर आपको पूरे 10 मार्क्स देकर जाएगा। तो आप सभी बच्चों के साथ इसे शेयर कर दीजिए क्योंकि बेटा सबका साथ सबका विकास और आदित्य सर का पैसे दिखाते हैं। ऐसे भी कमाऊंगा मैं, आपको शेयर कर दूं। सबका साथ सबका विकास, विकास का है, आज विकास आया है। ठीक, लेक्चर नंबर 1 आओ सर, पहले नारियल फोड़ो लैपटॉप पे। या बाबा, ये अरे लैपटॉप पे नारियल फोड़ दिया तो लेक्चर कहां पहुंचेगा रे बाबा? ऐसा कैसा मैं तेरे लेक्चर पे नारियल फोड़ेगा? नहीं होगा, दिया वाले दिया, उठा ले रे उठा ले। मेरे को ना इसके और इसके लैपटॉप को उठा ले। ध्यान दो रे बाबा, जय श्री गणेश जी का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। जय श्री गणेश बेटा, वी आर स्टार्टिंग विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपको कुछ भी नहीं लिखना है, एकदम आगे लेक्चर के मोड में। आज आप लोगों का लकी डे है, आज आप लोगों का लकी डे है। अब बोले क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल 1 घंटा 55 मिनट 56 सेकंड पे छोड़ दूंगा बेटा। मैं आज आप लोगों के लिए छोटा लेक्चर लेकर आया, 1 घंटा 55 मिनट 56 सेकंड। टुडे यू आर हैविंग एक्चुअली लकी डे, सो कोऑपरेट विद मी, ठीक है? सो दैट यू गेट अ डिस्काउंट। 3 मिनट में आपको जल्दी छोड़ दूंगा, ठीक है? सच्ची बेटा, मैं झूठ थोड़ी बोलता हूं कभी। बच्चे देखो बावले हो गए बेटा, नाच रहे हैं। 5 बजे टेस्ट ही आया इसका, क्या बात है बेटा? ठीक है बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, देयर आर, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। बहुत सारे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बताया था मैंने आपको, बताया था पैसा डेक से भी ला सकते हो, डेक में लोन आता है, डिबेंचर आता है, बॉन्ड आता है, टर्म लोन आता है, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन आते हैं, बहुत सारे सोर्सेस। दूसरा सोर्स है इक्विटी शेयर और तीसरा प्रोमिनेंट सोर्स है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो बेटा देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, बट टू ब्रॉडली क्लासिफाई वी हैव 3 प्रोमिनेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। एक है बेटा डेट, एक है बेटा इक्विटी और एक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नाउ यू विल से सर लोन, बेटा लोन भी डेट में ही आता है। आप बोलेंगे डिबेंचर, वो भी यहीं पर आता है। आप बोलेंगे बॉन्ड्स, वो भी यहीं पर आता है। तो सर डेट मतलब क्या होता है बेटा? डेट मतलब ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस जिस पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉफिटेबिलिटी। आपको इसके ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट डिपॉजिट भी आता है, आप पब्लिक डिपॉजिट भी ले सकते हो। सो बेटा इरिस्पेक्टिव, उधारी नहीं बेटा, डेट इज नॉट लाइक उधारी, इट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। सो बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर पहला प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है डेट। डेट में वो सभी टाइप के इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसमें आपको फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट इज फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो बेटा यहां पर आप डिबेंचर बोलो, बॉन्ड बोलो, डिपॉजिट बोलो, लोन बोलो, टर्म लोन बोलो, शॉर्ट टर्म लोन बोलो, जो बोलना है बोलो, कुछ भी बोलो, तुम तारा तारा बोलो तो भी चलेगा, अगर उसके ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ा। तो एनी इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैरी फिक्स्ड इंटरेस्ट इज कवर्ड इन डेट। नाउ देयर इज वन वेरी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी। बेटा इक्विटी गिव्स यू ओनरशिप। इक्विटी के केस में यू डोंट हैव टू मेक एनी फिक्स्ड पेमेंट, बट व्हाटएवर इज रिमेनिंग बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। भैया इक्विटी वाले पंगत में बैठे हुए आखिरी इंसान की तरह है बेटा, अगर कुछ बाल्टी में बचा तो सारा का सारा उनका, नहीं बचा तो भूखे पेट भी निकल के जाएंगे। तो बेटा पंगत में बैठे हुए आखिरी इंसान की तरह ये क्यूमुलेटिव वे में देना पड़ेगा? नो, इक्विटी को क्यूमुलेटिव वे में भी नहीं देना पड़ता। तो बेटा अगर मैं बात करूं इक्विटी कैपिटल की, नाउ वी आर डिस्कसिंग, हम चैप्टर में तो घुसे भी नहीं अब तक, वी आर गोइंग इनटू डिटेल नाउ। सो बेटा देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, द फर्स्ट सोर्स वी डिस्कस इज डेट। डेट मतलब वो कोई भी टाइप का इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब आप इसे किसी भी नाम से बुला लो, आप इसको चंगू मंगू नाम से बुला लो, अगर इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो ये कहलाएगा डेट। दूसरा आता है बेटा इक्विटी, इक्विटी के अंदर फिक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं रहती, बट हियर यू नीड टू गिव ओनरशिप। बेटा जो भी बचेगा वो सारा का सारा शेयर होल्डर्स को बिलोंग करेगा। नो गारंटी मिलेगा या नहीं वो बाद में बात करेंगे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड तो अलग बात होगी। सो बेटा इक्विटी के केस में यू गेट ओनरशिप बट फिक्स पेमेंट की बात नहीं आती। एंड देयर कम्स हाइब्रिड फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी दैट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसके अंदर दोनों के फीचर है। जो बेटा इक्विटी की तरह, जो इक्विटी की तरह पार्टिसिपेट भी करते हैं और डेट की तरह फिक्स फाइनेंशियल चार्ज भी लेकर चले जाते हैं। बेसिकली इसमें भी आपको फिक्स्ड पेमेंट ही देना पड़ता है। मुझे तो पता नहीं इंस्ट्रूमेंट बनाया क्यों गया है, मुझे तो पता नहीं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आखिर बनाया क्यों गया है, क्योंकि इसके अंदर मोर और लेस जो फीचर्स हैं वो डेट वाली हैं। रिसेंटली आई टेल यू, मैं हमेशा सोचता था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसी काम के नहीं है, बाय कंपनी इशू सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। भैया अगर आपको फिक्स पेमेंट करना ही है, मे बी ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस, ये डेट के फीचर जैसा तो हो गया, डेट जैसा ही तो हो गया। देन आई रियलाइज बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का एक बेनिफिट है। आई केम टू नो अबाउट दिस फ्यू मंथ्स बैक। मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, आई एम एन इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर बेटा मैं, स्टार्टिंग का इन्वेस्टर एक कंपनी में, वो भी एजुकेशन की कंपनी, एटेक है, प्ले बुक नाम है उसका, वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। सो बेटा मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया, आई हैव ओनरशिप ऑफ 1%। सो ही गेव मी प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट। टू माय सरप्राइज मैंने से पूछा व्हाई यू गेव मी प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट, ही सेड आपको इक्विटी इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो प्रेफरेंस शेयर को उनका कैपिटल मिलने में सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है। ऑल्दो कैपिटल का अमाउंट छोटा दिखता है उसके अंदर, ठीक है, प्रीमियम पे गया था। तो बेटा उन्होंने बोला दे गेट प्रायोरिटी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन द केस ऑफ लिक्विडेशन एज़ वेल। सो दे गेट प्रायोरिटी बट देयर फीचर इज मोर और लेस लाइक डेट ओनली। बात समझ में? सो प्रोमिनेंटली वी हैव 3 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, एनीथिंग व्हिच कैरीज फिक्स्ड इंटरेस्ट इज कवर्ड इन डेट, anything which gives you ownership is equity, and a hybrid form of security which contains features of both debt and equity is covered in preferential capital, right? So beta we have many sources of finance. beta aaj ke time pe gareeb bhi tumko free mein dua nahi deta, to bhaiya log tumko paisa free mein thodi denge. so if you borrow capital, agar aap debt lete hain to there is a cost associated with it. agar aap equity lete hain beta, equity issue karte market mein there is a cost associated with it. if you issue preferential capital in the market beta, still there is a cost associated with it, and we need to calculate the cost because ye cost kuch nahi beta, mera kharcha hai. are I am issuing equity share capital, there is a cost associated with it beta, mere liye to kharcha hai, I need to calculate this. so basically in this chapter of cost of capital we are going to cover jo bhi source of finance aap paisa borrow kar rahe uski cost kya hai. the question arises in my mind, why I want to calculate the cost? paisa to aa raha hai. suman hai beta, suman boli sir mereko crorepati banne ka. maine bola bahut badhiya suman, aise sapne to har insaan ne dekhna chahiye. to sir main ek kaam karti hu, bank se 1 crore le leti, mera sapna
पूरा जगह ऐसा पड़ी होता है बेटा सुमन, ये कौन सा नशा करके आई है? पता नहीं जी कौन सा नशा करती है, ये कौन सा नशा करके कि मेरे को करोड़पति बनना है तो बैंक से 1 करोड़ लेकर आ जाए। अरे भैया वो कैपिटल है, वो उधारी है, उसको लौटाना है और लौटाना ही नहीं, उसके ऊपर कॉस्ट भी लगेगा। अच्छा सर फिर क्या करूंगी? एक काम करती हूं सर, 1 करोड़ रुपए लेती हूं, 10% के हिसाब से 1 साल में पैसा रखती हूं, वापस लौटा दूंगी। बोले के लिए तो करोड़पति हो गई, हवी बच्ची, उसके ऊपर देखो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अरे वापस सर फिर क्या करूं? उसको इन्वेस्ट कर। अच्छा सर मैं काम करती हूं, 10% पे बढ़ा करके 5% की एफडी कर देती हूं, करोड़पति की करोड़पति, और सर पैसा भी आएगा, इनकम, दिस इज बिजनेस। बेटा फिर गलत कर रही, हम कॉस्ट निकालते हैं इसलिए ताकि आप उससे ज्यादा रेट में इन्वेस्ट करो ना। अच्छा तो ये बात है, सुमन चरस चाटना बंद कर दिया, चरस बहुत चाट रही है तू, ये नशे हैं बेटा, अभी पता चला। मैंने अभी बोला पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, इधर जिल का मैसेज आ गया, चरस चाटती है सर, ये ऐसा लगती है, इसको लगता है चरस चाटती पड़ रहता है, चौका चूरा बेटा। खैर एनीवेज, जैसे जिसके शौक जैसे जिसके सपने। हां जी बेटा, सो वेयर वर वी? सो इन दिस चैप्टर हमें जितने भी सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है उनकी एसोसिएटेड कॉस्ट पता करनी है, सिंपल ऐसा, ठीक है? और भैया हमको एक एवरेज कॉस्ट ढूंढ के निकालनी है, वेरी सिंपल। जासना भी मतलब ज्यादा भी मतलब सर सॉस का नशा करती है, छी 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 गंदी बच्ची। ओके लिखिए बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 मार्क्स। ये कोर्स पेज की लिंक है बेटा, थैंक यू। ये सही तो नहीं लग रही मुझे, इतनी छोटी सी कोर्स पेज की लिंक, तो कोई पुराना स्टूडेंट इस पे क्लिक करके देखे, रुको मैं ही देखता हूँ, तुम मत। निधि यू आर सो स्मार्ट, हाँ मम्मा इज सो प्राउड ऑफ यू, वेरी फनी, थैंक यू भाई। हाँ भाई थैंक यू भाई बोल दिया उसने, मनी मैंने 6 बार थैंक यू भाई बोल चुकी है, वो वहाँ पे लिंक पेस्ट करते भी बोली भाई लिंक भाई, 2 बार तभी हो गया था उसका। नहीं भाई ऐसा नहीं है बेटा, 4 बार बोल दिया उसने, ठीक है भाई। बस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, ईच सोर्स इज एसोसिएटेड विथ सर्टन कॉस्ट। We need to calculate cost associated with each source of finance. This will then be compared with our earning rate to know profit. तो क्या टास्क है बेटा सर, लास्ट लेक्चर के नीचे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिख रहे हैं, वो आपने ऐड किए थे, यस हर चैप्टर के नीचे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिख रहे हैं। अब हर चैप्टर जब कंप्लीट होगा उसके बाद आपको 5-5-6 लेक्चर से एक साथ मिलेंगे, ठीक है? अब से स्टार्ट कर दिया मैंने, तो टेस्ट देना आप लोगों के लिए अनिवार्य है, कर दिया। सेम क्वेश्चन है सर सब में, अच्छा सब में सेम आ गया क्या? वहां पे ऑटो सिलेक्ट ऑप्शन आता है, खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कमाल यार, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, कमाल यार। और एक नया क्वेश्चन तो डाउट सेक्शन, सो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं फिर क्लास के नीचे, सो लेक्चर में 5 क्वेश्चन ही है, वो सेम टू सेम है बेटा, 5 के 5 सेम है क्या? क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 या टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5 ये सेम है, टेस्ट वाइज ना, ठीक है। अगली बार आई विल लुक इनटू इट, सारे टेस्ट सेम है, ठीक है ठीक है, समझ गया। पहली बार यूज किया ना फीचर, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अगले लेक्चर में मैं कर दूंगा, ठीक है बेटा, ये समझ में आया? लिखिए आगे, देयर आर 3 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, ब्रैकेट में लिखो 3 कैटेगरी। पहला टेक, fixed interest irrespective of profit। मेरा नाम बेटा चमन झिंगा है, ठीक है लिखो आप। हाँ तो बेटा डेट क्या होता है? डेट वो होता है जिसमें फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इक्विटी गिव्स ओनरशिप, नो फिक्स्ड डिविडेंड पेमेंट। तीसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाइब्रिड That is debt plus equity feature, fixed preference dividend, irrespective of profit. ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, नॉर्मल लॉजिक से आंसर दे रहा हूं, मैंने आपको सिखाया नहीं पर मुझे लगता है आपको सही आंसर तो। कंपनी के नजरिए से सबसे ज्यादा रिस्की कौन है? कंपनी के नजरिए से प्रेफरेंस को तो छोड़ ही दो, वो तो बीच वाला है बेटा। कंपनी के नजरिए से डेट बहुत ज्यादा रिस्की है, नहीं बेटा इक्विटी नहीं, डेट बहुत ज्यादा रिस्की है, नो बेटा, क्योंकि डेट के केस में इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉफिट यू हैव टू पे द अमाउंट। अब भैया इन्वेस्टर के नजरिए से कम रिस्क इसमें, इन्वेस्टर के नजरिए से भी डेट में रिस्क कम है, सिक्योर है भैया। अगर आप लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट याद है तो डिविडेंड देने से पहले इंटरेस्ट देना पड़ता है, समझे? एक तो पहली बार फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिला तो बेटा जर और जमीन लेकर चले जाएंगे, माल मतलब सब उठा ले जाएंगे, जोर थोड़ी उठा के आवत है, जर जमीन या जोर छोड़ दो, जर और जमीन ले जाएंगे, कंपनी के असेट्स बेच देंगे बेटा, आग लगाने। दूसरी बात, हम लोग सिक्योर है, बराबर है, और प्रायोरिटी मिलती है पेमेंट में, तुम्हारी कंपनी में आग लगे चाहे कंपनी में, हम मस्त रहे हमारी मस्ती में, तो बेटा ये सारी चीजों के चलते हुए डेट वाला बोलता है भैया निवांत जिंदगी, एक बार पैसा दे देना, डेट पे कोई टेंशन की बात नहीं। तो भैया अगर मैं कंपनी के नजरिए से देखूं तो डेट के केस में रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन इन्वेस्टर के नजरिए से देखो बोलता है डेट तो भैया बहुत अच्छी चीज है। और आपने कहावत तो सुनी होगी बेटा, बहुत फेमस कहावत है, बचपन से सुनते आ रहे हो, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न,
देखो मैं अलग अलग एंगल से बता रहा हूँ, पहले मैं आपको कुछ कंपनी के एंगल से बता रहा हूँ, फिर इन्वेस्टर के एंगल से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं डेट की बात करूँ बेटा, तो कंपनी के केस में रिस्क ज्यादा रहता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, डेट की बात करते हैं, डेट के केस में कंपनी को रिस्क ज्यादा, यानी इन्वेस्टर को रिस्क बहुत कम है। बेटा वो कहावत तो आपने बचपन में भी सुनी होगी, लोअर द रिस्क, वो केजी में तुमको सिखाई थी, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। मतलब बेटा डेट वाले ऐसे लोग हैं, क्योंकि रिस्क नहीं है उन लोगों को, ज्यादा रिटर्न मिलता नहीं है, उन लोगों को रिटर्न ज्यादा नहीं मिल रहा है, मतलब कंपनी को कॉस्ट भी ज्यादा नहीं लग रही है, तो कॉस्ट भी कम रहती। ये समझा क्या बेटा? तो डेट के केस में इन लोगों को क्योंकि लोअर रिस्क है, लोअर रिटर्न मांग रहे हैं, इन लोगों के लिहाज से वो रिटर्न है, कंपनी के लिए कॉस्ट है। लेट्स से बेटा ये तनिषा है, ये बोले ला रे बाबा ला मेरे को पैसा ला के दे, और ये सीनू है, ये बोलता है ले रे बहन ले पैसा ले। बेटा ये इसको इंटरेस्ट देती है, तो ये दीदी के लिए ये इंटरेस्ट हो गई कॉस्ट, और इसके लिए हो गया ये रिटर्न, समझे क्या? हाँ सीनू की बहन तो है। तो भैया कंपनी के लिए ये हो गई कॉस्ट, इसके लिए हो गया रिटर्न, ये इसको 10% इंटरेस्ट पे कर रही है, तो इसके लिए हो गई 10% कॉस्ट, इसको 10% मिल रही होगा इसके लिए रिटर्न। तो भैया जरा ध्यान से देखिएगा ये चार्ट, एक बार वापस से देखिएगा ये डायग्राम बेटा, मतलब एग्जाम में आने वाला था 10 मार्क्स के लिए, ये डायग्राम यहाँ बना लो बेटा, तुम लोगों को देखो सीए से हटकर वो आर्ट्स का टीचर बना देंगे ड्राइंग का, वेरी वेरी डीपली। तो भैया ये पॉइंट समझा क्या? इन्वेस्टर के नजरिए से देखो तो भैया रिस्क कम है, रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, इसके लिए रिटर्न है, कंपनी के लिए वही चीज कॉस्ट कराती है। अब इक्विटी की बात करते हैं बेटा, इक्विटी के केस में कंपनी के नजरिए से बताओ बेटा, कंपनी के नजरिए से कोई रिस्क है क्या? कोई रिस्क नहीं है बेटा, ये घर पर आए वो बाराती है, जिनको खाना नहीं डाला तो भी चलेगा बेटा, ये वो मतलब दूल्हे के दोस्त है बेटा, या दूल्हे के वो दोस्त है बेटा जो फुकट में काम करके भी जाएंगे, आप कुछ भी बोलते हैं बुरा नहीं मानेंगे। तो बेटा कंपनी के एंगल से रिस्क कुछ नहीं है, पर इन्वेस्टर के एंगल से तो बहुत बड़ा रिस्क है। बोलते भैया पहले सेल्स होता, सेल्स के बाद वेरिएबल कॉस्ट जाता, वेरिएबल कॉस्ट के पास आपका फिक्स कॉस्ट जाता, फिक्स कॉस्ट के बाद इंटरेस्ट जाता, इंटरेस्ट के बाद मेरा प्यारे मोदी जी, मोदी जी पैसा लगा देते, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड जाता, फिर अगर कुछ बचा, पंगत में सबसे लास्ट में थे, कुछ बचा तो हमको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो भैया इन लोगों को रिस्क बहुत हाई रहता है, और वो कहावत तो बेटा आपने केजी टू में सुनी होगी, आधी कहावत तो आपने केजी वन में सुनी थी, आधी कहावत केजी टू में सुनी होगी, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। बेटा इन लोगों को ज्यादा रिटर्न की उम्मीद है, मतलब कंपनी की कॉस्ट हाई रहेगी, अरे आपकी बात समझेगा। और बेटा अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, तो रिस्क भी मॉडरेट कॉस्ट भी मॉडरेट, रिस्क भी मॉडरेट कॉस्ट भी मॉडरेट। कंपनी के लिए ज्यादा कॉस्ट कैसे होगा बेटा? बचा कुचा सारा इक्विटी वाला ले जाता है, ठीक है, छाप लो, समझे क्या आदर्श? बचे कुचा सब कुछ उठा के ले जाएंगे। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था लेवरेज के चैप्टर में, सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, क्वेश्चन नंबर 8 था, सेगमेंट वाला क्वेश्चन। उस सेगमेंट वाले क्वेश्चन में कंपनी कमा रही थी अलग रेट से, सारा का सारा इक्विटी वाले लेगा, डेट वालों को तो लिमिटेड पेमेंट जाता है, इक्विटी वाला सारा बचा बचा ये लेके लीजिए। सर यहाँ आ जाओ, मस्त बरसात आ रही है, साथ में नहाएंगे। ए भाई ये कानून तुम्हारे साथ है, इसका मतलब क्या? किसी को तुम अपने अंदर ले लो क्या भाई? दूर रहा करो ना भाई, ये धारा का दुरुपयोग मत करो बेटा। ये जो जो लोग कंसेंट से तुम्हारे साथ आते ठीक है, ये क्या तुम बरसात में रखे मत करो भाई, ये चीज मत करो। ओ भाई ये लिख लो बेटा, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मेरी एक लड़की से ही शादी होने वाली है साल, ऐसा मत करो बेटा। चलो बेटा हो गया क्या यहाँ तक का? प्लीज टेल मी यहाँ तक हो गया, लिखी आप लोगों ने? हाँ जिस उम्र में मेरी और उसकी शादी हो रही है, अब तो बुजुर्ग खेला गया हम दोनों, 28 में बुजुर्ग खेलाएंगे, इसी का नाम और कितना बेटर है, बुजुर्ग की कैटेगरी तो आई गई, जनरेशन बदल गए। हो गया बेटा, खूब मस्त छान शिकवता तुम्ही मला आवला सर, खूब छान सर, अरे वाह आवला आवड़ सर, पिक बता दो 10 साल बाद एक लड़की हाथ में लेके लकड़ी, ये में हमेशा होता है लड़की लकड़ी होता है। चलो हो गया ये लिख लिया बेटा, आइए अब शुरू करते हैं बेटा। ये टेबल आप लोगों को समझा क्या? पक्का पक्का बताओ, पक्का 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 पक्का। बेटा आप हमेशा नोटिस करेंगे, हमेशा नोटिस करेंगे कि डेट की कॉस्ट लीस्ट आती है हमेशा। अभी हम कैलकुलेट करेंगे ना, डेट का हमेशा कॉस्ट लीस्ट आएगा, इक्विटी का कॉस्ट हमेशा हाईएस्ट दिखेगा, और इसका बिटवीन आप कैलकुलेशन करेंगे ना अपने आप ही आ जाएगा। तैयार बेटा? यस सर, यार थल थल हम तैयार थल। ओके तो डालिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट जो चलेगा मस्त आराम से आज, कॉस्ट ऑफ डेट डिनोटेड बाय केडी, आप फॉर्मूले में केडी ही लिखेंगे तैयार थल। ओके तो डालिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट जो चलेगा मस्त आराम से आज, कॉस्ट ऑफ डेट डिनोटेड बाय केडी, आप फॉर्मूले में केडी ही लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट केडी, केडी गल कितना तुसी, ठीक है केडी गल। तो भैया कॉस्ट ऑफ डेट मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, गरीब भी तुम लोगों को दुआ फुकट में नहीं देता, उसके लिए तुम्हें 2-3 रुपए देने पड़ते हैं, तो कैपिटल तुमको कौन फ्री में देगा, ठीक है। तो भैया कॉस्ट ऑफ डेट की बात करते हैं, यानी कि अगर हम डेट बोरो करते हैं तो उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझना पड़ेगा, अभी आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, कंसोलिडेटेड फॉर्मूला आ जाएगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं, आधा घंटा लगता है मुझे समझाने। एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, लेट से एक लड़का है बेटा जिसका नाम है अर्जुन, अर्जुन अर्जुन ने 10,000 रुपीज दिए बेटा निधि को, निधि को 10,000 रुपीज दिए अर्जुन ने, निधि ने ठीक एक साल बाद 1 ईयर लेटर बेटा अर्जुन को 11,000 रुपए लौटा दिए। तो क्या मुझे बता सकते हो निधि के लिए कॉस्ट कितनी रही? सिर्फ कॉस्ट की बात परसेंटेज में नहीं, इसने पैसा इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट कितनी रही? 1,000 रही। वेरी गुड माय स्टूडेंट, 1,000 कैसे निकाला? 11,000 क्यों बोला? निधि ने तो 11,000 लौटाए। अरे भैया संचिता 1,000 कैसे बोले? उसके तो 11,000 लौटाए। अरे थल प्रिंसिपल अमाउंट है वो, इसने 10,000 लिया, दैट वाज प्रिंसिपल अमाउंट, 10,000 लौटा दिया, प्रिंसिपल लौटा दिया, और ये प्रिंसिपल अमाउंट यूज करने के लिए 1,000 देना पड़ा। वेरी सिंपल, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है सर, बचकानी बातें करते हो। अरे यार बचकानी बातें नहीं करेंगे,
तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ बेटा इस केस में 1000 रुपीस का इंटरेस्ट गया 10000 रुपीस का कैपिटल इस्तेमाल करने पर, तो कोई बता सकता है कि निधि को एक साल के इस पैसे को यूज करने की कॉस्ट कितनी लगी? 10% लगी। कैसे सर? कॉस्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट इनटू 100। ओ माय गॉड सर, यह है फॉर्मूला, यह है कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है सही लिखा होगा, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 100। सर यह फॉर्मूला, ये तो सर हमें जतिन देवला सर ने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, वो तो प्रिंसिपल तो टीचर वाला प्रिंसिपल होता है, वो अलग है, प्रिंसिपल तो अलग होता है, पीसी सर ने सिखाया है, छोड़ना। हाँ तो ये छोड़ो, प्रिंसिपल या जो भी है, समझा? रिप इंग्लिश बेटा, रिप लिख देता हूँ आगे, ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा एक छोटा सा सवाल बेटा, अगर मान लो 17,772 रुपए, 17,772 रुपए दिए होते अर्जुन ने निधि को और निधि ने लौटाए होते बेटा 18,513, तो आप मुझे बताइए निधि के लिए एक साल इस पैसे को यूज करने की कॉस्ट कितनी थी? 741 डिवाइडेड बाय 17772 इनटू 100 इज इक्वल्स टू हाउ मच परसेंटेज? 4.169%। यहां तक हम लोग क्लियर हैं? ओके बहुत बढ़िया, फॉर्मूले के नेक्स्ट पड़ाव में चलते हैं बेटा। लेट्स से अर्जुन है, अर्जुन ने ना डिबेंचर इशू किए, अभी जैसे 10,000 रुपए दिए थे, डिबेंचर की कहानी लेते हैं, अर्जुन ने इस बार डिबेंचर इशू किए, तो अर्जुन कौन हो गया? अर्जुन कंपनी हो गया। अर्जुन ने डिबेंचर इशू किए मार्केट में रोशन को, तो भैया इस बार पैसे कौन देगा? पैसे देगा रोशन। रोशन ने पैसे दिए 10,000 रुपीज, ठीक है बेटा। कंपनी बोल रही है कि हम आपको एक साल बाद रिडम्पशन करके देंगे, ये एक साल बाद हम आपको पैसा लौटा देंगे, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, कितना इंटरेस्ट देंगे? मैंने बोला, ये बोला इंटरेस्ट देंगे 12% और लौटाएंगे 11,000 रुपए। थोड़ा सा ट्विस्ट बेटा, 10,000 रुपए लिए हैं रोशन से, डिबेंचर इशू किए और पैसे लिए, 10,000 लिए, रिडम्पशन के टाइम 1,000 दे देंगे और इंटरेस्ट भी देंगे। अब आप लोग मुझे बताइए कि कंपनी के लिए कॉस्ट कितनी है? कंपनी ने रोशन से पैसा बोल के कॉस्ट कितनी है? डिस्काउंट पे रिडम्पशन नहीं हो रहा है, प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है। ओके सो बेटा इस बार देखिए, इस बार इसे 1200 रुपए का इंटरेस्ट तो देना नहीं पड़ा, लेकिन साथ साथ आरवी माइनस प्रिंसिपल 11,000 रुपए रिडम्पशन और 10,000 रुपए की प्राप्ति हुई थी, ये भी देना पड़ा बेटा। डिवाइडेड बाय पैसा कितना इस्तेमाल किया? 10,000 × 100। तो भैया 10,000 रुपए इस्तेमाल करने के लिए इसको 2200 रुपए देने पड़े, तो आंसर इज 22%। इसको थोड़ा फॉर्मूला टर्म्स में पुट करूं, तो बेटा ये 1200 क्या था? ये 1200 था इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बोलेंगे। अच्छा ये 11,000 क्या था बेटा? ये 11,000 अमाउंट इसने लौटाया, तो इसको बोलेंगे आरवी रिडम्पशन वैल्यू। माइनस 10,000 ये क्या है? इसको बोलते हैं, अभी के लिए नाम चेंज करो, बाद में नाम बदल दूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट, इसका नाम कुछ और है, बाद में बदल दूंगा। डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू 100। क्या हम फॉर्मूले में यहाँ तक पहुंच गए बेटा? ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो रहा है, विकसित हो रहा है, आज आप लोगों को मैं सुख दे दूंगा इस फॉर्मूले से, आप बोलोगे सर मजा आ गया, ठीक है यहाँ तक हो गया। अब और मॉडिफाई करते हैं फॉर्मूले को, नहीं 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 अभी तो भैया फॉर्मूला ना मतलब उगना चालू किया अंडे से, अभी फॉर्मूला देखो क्या बनता है, मतलब इसको पिकाचू से 40,000 से 4 मिनट बना दूंगा मैं इसको, ठीक है इसे टोनी कक्कर से अरिजीत बना दूंगा, आज देखना। आइए आगे बढ़ते हैं, सेम एग्जांपल बेटा, कंपनी ने 10,000 रुपए के डिबेंचर इशू किए, बोलता है कि भैया 12% देंगे, भाई सर सेम बात कर रहे हैं आप, सर कुछ नहीं बात कर रहा, ये बोलता है कि हम रिडम्पशन के टाइम 11,000 लौटा देंगे। अरे यार सर क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन रिडम्पशन 2 साल बाद होगा, लेकिन रिडम्पशन 2 साल बाद होगा सर। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, चलो सर कॉस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकलेगी कॉस्ट बेटा ध्यान देना, सर हर साल 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो एनुअल इंटरेस्ट 1200 प्लस बेटा, क्या आपको 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े? क्या आपको 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े? बोलो हाँ, क्या 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े? यस, बट ये 1000 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा दिए, क्या ये एक साल कैपिटल यूज करने के दिए या 2 साल के दिए? तो 2 साल के दिए, तो हर साल का खर्चा कितना लोगे? 500 पकड़ोगे, डिवाइडेड बाय प्रिंसी इनटू 100 कितना आ जाएगा? 17% आ जाएगा। तो बेटा मैं इस फॉर्मूले को रिवाइज कर रहा हूं और मैं लिख रहा हूं आरवी माइनस प्रिंसी डिवाइडेड बाय, बोलो विकसित हो गया बेटा, इट इज अपग्रेडेड नाउ, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लिखा कर दिया सब कोई फॉर्मूला आता नहीं, और निरंतर से जाता नहीं, तुमने लिखा तो नहीं ना, बढ़िया तुम्हें डायलॉग मारता यहाँ तक फॉर्मूला समझ, अभी भी बहुत बाकी है फॉर्मूले के अंदर, ठीक है सर। और क्या मॉडिफिकेशन करने वाले? अरे अभी तो देखो बेटा, एक लड़की थी शिजुका, शिजुका शिजुका ने बेटा नोबिता को पैसे दिए, तो नोबिता यहाँ पर कौन हो गया? कंपनी हो गया, और ये शिजुका होगी इन्वेस्टर। अरेंजमेंट सुनिएगा, इस अरेंजमेंट में डोरेमोन भी था, और डोरेमोन ने कमीशन खाया 1000 रुपए का बेटा, ध्यान देना स्टोरी गजब की। तो शिजुका ने बेटा इसको कितने रुपए दिए? 10,000 रुपए दिए थे, लेकिन नोबी के पास पहुंचे कितने? 9,000। क्यों भैया? क्योंकि डोरेमोन खा गया कमीशन, डोरा की खाना होगा उसको, बराबर है। अब ध्यान से देखना, नोबिता ने क्या किया? नोबिता ने शिजुका को बोला कि बहन, बहन नहीं बोलेगा बेटा उसको, जाने मन जाने जिगर, जिगर की छल्ली, मैं तेरे को 12% इंटरेस्ट दूंगा, मैं तुझे 12% इंटरेस्ट दूंगा, और साथ ही साथ रिडम्पशन के टाइम फटाफट देखो 12,000 रुपए दूंगा। अब भैया बहुत पेचीदा सवाल हो चुका है, ये रिश्ते दाव पे लगे हैं यहाँ पे, अब ध्यान देना पड़ेगा, वो तो डिगी सुखी की है, ध्यान दो तुम। अच्छा बेटा मेरे को बताओ, ये डोरेमोन ने क्या यहाँ पर इलीगली 1000 रुपए निकाल लिए? क्या इलीगली 1000 निकाल लिए? आंसर इज ना बेटा, वो दलाल है, पैसा दलाल है, वो ब्रोकर है, उसने अपनी ब्रोकरेज दी है। और ऐसा होता है जब आप सिक्योरिटी शेयर्स इशू करते हो, तब अंडरराइटर नाम का भी व्यक्ति रहता है, जो बेटा आपको बोलता है मैं गारंटी से तुम्हें सब्सक्रिप्शन दिला दूंगा, पर इतना मैं कमीशन लूंगा। तो मेरे को क्लियर सेंस में बताओ, कंपनी को कितना पैसा मिला बेटा? नोबी को कितना पैसा मिला? कंपनी को मिला बेटा 9,000। तो कंपनी ने इस्तेमाल कितना किया? 9,000। कंपनी ने लौटाया कितना बेटा? रिडीम कितना किया? 12,000।
इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है 12% और लेट्स से 5 साल में पैसा लौटाना है। तो आइए ये फॉर्मूले के अंदर हम ये कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कितने पर पे होगा, दिमाग लगा के बताओ इंटरेस्ट कितने पर पे होगा। बेटा शिजुका ने जितने पैसे दिए हैं इंटरेस्ट तो उसी पे लगेगा। अभी इसकी अरेंजमेंट थी कि अंडरराइटर से अरेंजमेंट करवाए, वो तो बात लगे। तो इंटरेस्ट तो भैया जितना कैपिटल बोरो किया है, नहीं तो शिजुका तो डोरेमन को मार देगी, बोलेगी मैंने तो 10,000 रुपए दिए, तू नोबी को 5,000 रुपए पहुंचा रहा है, मैं थोड़ी 5,000 रुपए नुकसान करूंगी, मैंने तो जितना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर इंटरेस्ट लूंगी। तो भैया इंटरेस्ट कितना होगा, ये फॉर्मूले के हिसाब से इंटरेस्ट कितना होगा, टेल मी इंटरेस्ट। बेटा इंटरेस्ट होगा 10,000 का 12% बराबर, प्लस बेटा एडिशनली कंपनी को कितना पे करना पड़ा। नहीं ना बेटा 9,000 पे क्यों इंटरेस्ट आएगा, तू जरा दिमाग लगा। तूने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है 1,00,000 रुपए के बॉन्ड में। अब कंपनी ने क्या बोला एसबीआई को कि भैया हमारे बॉन्ड बिकवा दे, तो तूने ना 1,00,000 रुपए के बॉन्ड परचेस कर लिए। एसबीआई ने इसमें 10% का कमीशन बीच में काट लिया और बेटा कंपनी के पास 90,000 पहुंचे। कंपनी तुझे तो 1,00,000 के ऊपर इंटरेस्ट देगी ना बेटा, समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अब बेटा कंपनी को रिडीम कितना करना है 12,000। इस बार सवाल ही आ रहा है कि सर मैं यहाँ पे 10,000 लेस करूं या 12,000 लेस करूं, 10,000 लेस करूं 9,000 लेस करूं, मैं 9,000 लेस करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस्तेमाल ही 9,000 किया। आप देखिए ये कुछ नहीं है बेटा, ये मेरी कॉस्ट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने 12% से जो इंटरेस्ट पे करना, ये मेरी एक कॉस्ट है, ऊपर से ये डिबेंचर 9,000 का घर में पड़ा, 12,000 लौटाने पड़े, ये 3,000 की अलग कॉस्ट है, 5 साल की कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 9,000। बताइए क्या आंसर आएगा, 1,200 + 600 = 1,800 डिवाइडेड बाय 9,000, आंसर आएगा 20%। तो ध्यान से देखो बेटा ये कॉस्ट है बेसिकली। हमने कैसे निकाला था बेटा निधि और अर्जुन के एग्जांपल के, इसमें ऊपर कॉस्ट नीचे अमाउंट। तो पहली कॉस्ट तो ये रही आपकी जो इंटरेस्ट की गई, दूसरी कॉस्ट ये है आपकी जो आपको एडिशनल पे करना पड़ा, 3,000 एडिशनल पे करना पड़ा, 9,000 हाथ में 12,000 लौटाने पड़े, करीब 1 साल की थोड़ी कॉस्ट है, 5 साल की कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय जितना फंड तुमने यूज किया ओवर द टाइम डिवाइड। यस समझ आ गया, तो 20% कॉस्ट। तो अब से बेटा हम इसे प्रिंसिपल प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे एनपी। एनपी यानी कि नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड। बेटा नेट प्रोसीड का प्रोसीड का मतलब है मेरे पास जो पैसे आए, नेट का मतलब है कट पिट किया। बेटा मेरे पास तो 10,000 आए थे पर 1,000 डोरेमोन ने कट किए, तो 9,000 मेरे पास आए। तो फॉर्मूला क्या बन गया, अब फॉर्मूले को अपना रिवाइज करेंगे अच्छे से, पूरा का पूरा चेंज करेंगे। एक आधा क्वेश्चन लेते हैं, अभी फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ है। तो भैया कॉस्ट ऑफ डेट इज इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड। लौटाने पड़े 12,000, आए हाथ में 9,000, ये भी तो एक खर्चा है, पर ये एक साल का खर्चा नहीं है सर, पूरी लाइफ का खर्चा है। द होल डिवाइडेड बाय एनपी इनटू 100। अभी तो एक महत्वपूर्ण एलिमेंट बाकी है, अभी तो फॉर्मूला यहां तक पहुंचा है। अब हम एक बार क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से बेटा अमन नाम का लड़का है, अमन ने बेटा डिबेंचर इशू किए 1,00,000 रुपए के, जिसके ऊपर बेटा इंटरेस्ट है 10%, रिडम्पशन होने वाला है बेटा 1,10,000 रुपए का, लेकिन ये रिडम्पशन होने वाला है पूरे 10 साल बाद। आप लोग मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, 11%। लेट्स सी, इट विल बी 10,000 प्लस 1,10,000 माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, द होल डिवाइडेड बाय 1 लाख। बेटा क्या ये सबको समझ में आ गया पक्का, आर यू श्योर? बेटा इसी एग्जांपल में हम एक और चीज लेते हैं कि अंडर राइटर ने कमीशन चार्ज कर दिया, कमीशन चार्ज कर दिया बेटा 10,000 रुपए का। तो सर अंडर राइटर ने कमीशन चार्ज कर दिया तो इससे क्या होगा, इससे मेरे पास हाथ में पैसे कमाएंगे, मेरा नेट प्रोसीड गिर के 90,000 हो जाएगा, माय नेट प्रोसीड रिड्यूस टू 90,000, 12.22%। रुको मैंने कुछ गलत किया क्या, 12,000 डिवाइडेड बाय 90,000, हां 13.33%। तो ये बात आपको समझ में आई, डेप्थ समझ में आ रहा है, एक फॉर्मूले में कितना डेप्थ में जा रहा हूं, अभी भी फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ, बाद में तो आपके लिए एक वॉक रहेगा। चलिए अभी एक मिनट बात करते हैं। बेटा रिडम्पशन जो है ना 90,000 का होने वाला है और कमीशन कुछ चार्ज नहीं किया, जरा सोचो बेटा फॉर्मूले में बदलाव क्या आएगा। बेटा इस बार मेरे पास आए 1,00,000, लौटाने हैं 90,000, इंटरेस्ट चार वो बात तो अलग ही है, पर मेरी यहाँ पे बचत नहीं हो रही, तुमको यहाँ पे बचत होते हुए नहीं नजर आ रही। यस बचत होते हुए नजर आ रही, देखना कॉस्ट कम हो जाएगा, फॉर्मूला में पुट करो, कुछ दिमाग नहीं लगाना। इंटरेस्ट कितना आएगा 10,000 प्लस रिडम्पशन वैल्यू कितनी 90,000, नेट प्रोसीड कितना 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10, द होल डिवाइडेड बाय 1,00,000 इनटू 100। डिस्काउंट रिडम्पशन होता है, अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, कई बार कंपनी कई बार इन्वेस्टर कैपिटल लॉस बुक करना चाहता है, जानबूझकर कैपिटल लॉस बुक करना, टैक्स एडजस्टमेंट। अपने आप बेटा इतना वाला आंसर माइनस 1,000 आ जाएगा, आपका आंसर 9% हो जाएगा, ये टैक्स एडजस्टमेंट तो बहुत सारी होती रहती है। तो आपको कुछ फॉर्मूला चेंज करना पड़ा क्या, नहीं, अपने आप सब कुछ हो जाता है यहां पे, ठीक है। यहां तक सबको बात समझ में, तो यहां तक फॉर्मूले से कंफर्टेबल बेटा, इतने पार्ट से कंफर्टेबल है। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं ना, ये आपको मरते दम तक याद रखनी है, मरते दम तक याद रखनी है, एक्चुअली मरते दम तक याद रखनी है, दैट इज लिखवाऊंगा अभी आप लोगों को। इतनी बड़ी बात, बहुत आज मैं तुमको बहुत गहरी बात बताने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से लिखिए। आयोटा की याद आ गई, आयोटा कौन है बेटा, ये आयोटा बताओ मत मुझे पता है, तुम सच में बताना चाहते हो, क्या होना है ध्यान से सुनो, ठीक है तुम देखो, तुम्हारा जो प्रायोरिटी है वो देखो, टेस्ट तो बाद में दे सकते हो वैसे तो। शुरू करें बेटा, अब सुनना, ध्यान से सुनना, मरते दम तक याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है। बेटा अज्यूम करते हैं कंपनी है ए और एक है कंपनी बी, इस कंपनी के अंदर सेल्स जो है 10,00,000 का, ये कंपनी के अंदर भी सेल्स जो है वो 10,00,000 का, ऑल एक्सपेंसेस जो है इसके 5,00,000 के और इसके भी ऑल एक्सपेंसेस 5,00,000 के। हाँ जी बेटा, बेटा इस कंपनी के अंदर कैपिटल है 20,00,000 रुपए का एट द रेट 10%, और इस कंपनी के अंदर नो डेट, इसके अंदर डेट नहीं है।
बेटा यहाँ पर टैक्स है 50% और इस कंपनी में भी टैक्स है 50%। बेटा क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ दोनों कंपनीज बिल्कुल आइडेंटिकल है एक्सेप्ट देयर कैपिटल? दोनों कंपनी का बिल्कुल शेम टू शेम है बेटा, एकदम शेम शेम। ओके चलिए दोनों कंपनी का नेट प्रॉफिट निकालते हैं, नाम छोड़ नाम भी अलग है। तो बेटा दोनों का नेट प्रॉफिट निकालते हैं, क्या इस कंपनी का सेल्स 10 लाख है? यस सर। क्या बेटा इसके एक्सपेंसेस 5 लाख है? बिल्कुल सही बोला सर। क्या इस कंपनी का सेल्स भी 10 लाख है? क्या इस कंपनी के भी एक्सपेंसेस 5 लाख है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। बेटा कंपनी ए को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यस और नॉट? इंटरेस्ट जाएगा बेटा 2 लाख रुपए, ठीक है। कितना बचा बेटा अमाउंट, कितना बचेगा अमाउंट बताइए? 3 लाख रुपए बचा। अब इस 3 लाख रुपए पे टैक्स आएगा एट द रेट 50%, बताइए कितना टैक्स आएगा? क्या 1,50,000 पे टैक्स आएगा? सो विल बी लेफ्ट विद द प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। नाउ लेट्स हैव लुक एट अनदर कंपनी, लेट्स हैव लुक एट अनदर कंपनी। बेटा यहां पर तो आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा 50%, 2,50,000। तो इज योर नेट प्रॉफिट 2,50,000? ओके बेटा दोनों कंपनी में डिफरेंस क्या था? सर दोनों कंपनी में इंटरेस्ट का डिफरेंस था। अगर आप देखेंगे कंपनी ए में 2 लाख का इंटरेस्ट था, कंपनी बी में इंटरेस्ट नहीं था। बेटा इनके प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है? प्रॉफिट में डिफरेंस आया मात्र 1 लाख रुपए का। मतलब उस कंपनी में 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट होने के बावजूद भी, उस कंपनी में 2 लाख का एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा होने के बावजूद भी मात्र 1 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट यहां पर हो रहा है, यानी यहां पर 1 लाख का प्रॉफिट कमाया। यानी कि ऐसा कह सकते हैं बेटा इस कंपनी ने जब डेट इंप्लॉय किया तो इफेक्टिवली, वर्ड पे ध्यान देना, इफेक्टिवली 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट नहीं पे किया, 2 लाख × 1 - टैक्स 1 लाख का इंटरेस्ट पे किया। मैं और तरीके से समझा दूंगा। तो बेटा एक्चुअली इंटरेस्ट 2 लाख का नहीं पड़ा, 2 लाख × 1 - टैक्स 1 लाख रुपए का पड़ा। सर ये कैसे निकाला आपने? जादू बहुत सिंपल था। जैसे ही आपने पीएनएल में 2 लाख रुपए डेबिट किए, आपका खर्चा 2 लाख से बढ़ गया। खर्चा 2 लाख के बढ़ने से बेटा प्रॉफिट 2 लाख से कम हुआ, और ये 2 लाख के प्रॉफिट पे 50% टैक्स की बचत हुई आपकी। तो एक तरफ तो आपने 2 लाख का पेमेंट किया, पर दूसरी तरफ 1 लाख के टैक्स की बचत भी तो कमा ली भैया आपकी जेब से, नेट 1 लाख गया। बेटा दिमाग लगाते हैं अपन इस केस में। आप मुझे बताइए कंपनी ए ने 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया, पर बेटा ये 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करने से पीएनएल में 2 लाख रुपए डेबिट हो गए, खर्चा 2 लाख से बढ़ गया, टैक्स आपको कम रकम पे अदा करना पड़ा। बेटा टैक्स आपको 2,50,000 की जगह सिर्फ 1.5 लाख का देना पड़ा। मतलब एक तरफ बेटा आपने डेट इंप्लॉय किया तो आपको 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ा, पर आपकी टैक्स में सेविंग हो गई क्योंकि आपने खर्चा बुक कर दिया। आप अक्सर देखना जब आप आर्टिकल शिप में रहेंगे तो खर्चा बुक करो क्यों बोलते हैं बेटा? क्यों बोलते हैं खर्चा बुक करो? क्योंकि खर्चा बुक करने से बेटा टैक्स की बचत होती है। तो भैया 2 लाख का जैसे ही इंटरेस्ट पे किया पीएनएल हो गया डेबिट, डेबिट जैसे ही हो गया पीएनएल हो गया प्रॉफिट कम तो टैक्स कम, कुल मिलाकर आपकी नजरों के ही सामने 1 लाख का टैक्स मुझे कम पे करना पड़ा। तो इफेक्टिवली इंटरेस्ट 2 लाख का पे करने के बावजूद भी 1 लाख का ही इफेक्टिव खर्चा है। अभी काम करो टैक्स रेट आपको बदल के देखना है, बदल के देखो टैक्स रेट में 50% का कंफ्यूजन है, टैक्स रेट बदल लेते हैं। कितना परसेंट करो आप बताइए? 30%, 60%, 30%, चलो 30%, ठीक है। तो भैया इफेक्टिवली खर्चा कितना आया? प्रीवियस केस में खर्चा कितना था? 1 लाख रुपए था। That 1 lakh was nothing but interest into 1 minus tax. That is 2 lakh into 1 minus 0.5 equals to 1 lakh. यहाँ पे पता है कितना खर्चा आएगा? अब आपने 30% मुझे करने के लिए बोला है तो भैया खर्चा आएगा 2 lakh into 1 minus 0.3. खर्चा मात्र कितना हजार हो जाएगा? 1,40,000 हो जाएगा। देख लेना आपके सामने प्रूफ करके बताओ। बेटा आपने 2 lakh का इंटरेस्ट पे किया, कितना आपके पास बचा? सर वी आर लेफ्ट विद 3 lakh. 3 lakh पे 30% टैक्स पे करेंगे 90,000. विल बी लेफ्ट विद नेट प्रॉफिट ऑफ 2,10,000. अगेन इन डिफरेंट कंपनी, वहां पे टैक्स आपको 30% से 1,50,000 पे करना पड़ेगा, यू विल बी लेफ्ट विद 3,50,000. सो नाउ इफ यू सी बेटा आपने इंटरेस्ट को 2 lakh का पे किया, इंटरेस्ट आपने 2 लाख का पे किया है, पर आपकी टैक्स में बचत कितनी हो गई? 60,000 की। तो इफेक्टिवली जेब से गया कितना? यस वही तो बोल रहे हैं, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड बोलते हैं इसको, सेविंग बिकॉज़ ऑफ इंटरेस्ट। तो हर बार इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन थोड़ी करते बैठूंगा मैं, तो सीधा लूंगा इंटरेस्ट का अमाउंट इनटू 1 माइनस टैक्स कर दूंगा, दैट इज 2 लाख इनटू 1 माइनस 0.3, डायरेक्ट 1,40,000 आ जाएगा। तो बेटा अगर अभी हम ये वाला हमारा पुराना फार्मूला देखें, एक्चुअली मेरा खर्चा इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट खर्चा नहीं है, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स मेरा खर्चा है। कैसे? अरे आप ही यहां पर देखिए, 2 लाख रुपए थोड़ी मेरा खर्चा आ रहा है, 2 लाख रुपीज थोड़ी मेरे को एक्स्ट्रा खर्चा है, और ये 2 लाख खर्चा आया भी तो 60,000 रुपए टैक्स बचा दिए इसने मेरे। तो कहने से मेरा इफेक्टिव खर्चा इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स, इफेक्टिव खर्चा इंटरेस्ट इनटू 1 टैक्स है। तो लो भैया फॉर्मूला रीमॉडिफाई हो गया, फॉर्मूला हो गया इंटरेस्ट का बेटा अमाउंट इनटू 1 माइनस टैक्स। तो ये बात मत एकदम याद रखना, खर्चा जितना ज्यादा बुक हो उतनी टैक्स की सेविंग होती है, जितना ज्यादा खर्चा उतना ज्यादा टैक्स की सेविंग। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स बचाने के लिए खर्चा ज्यादा करते जाओ। 30% टैक्स है तो 30% बचत होगी, 50% टैक्स है तो 50% बचत होगी, बचा होता नुकसान। ये तो हम टैक्स में टैक्स ही तो है, केडी कम हो जाएगा, बिल्कुल केडी कम हो जाएगा, आपकी कॉस्ट कमी तो करनी है, कॉस्ट कमी तो हो रही है। अरे आपने पीएनएल में इंटरेस्ट डाला, डेबिट साइड बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया, टैक्स कम भी करना पड़ रहा है। तो एक खर्चा डालने पर वो खर्चा आपकी जेब से जाएगा, पर दूसरी तरफ बचत भी तो हो रही है उसके कारण, तो नेट कितना आएगा वो देखना। अभी भी फॉर्मूला एंड नहीं हुआ है, नहीं अभी भी फॉर्मूला एंड नहीं हुआ, सर क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, लास्ट पॉइंट हो गया है ये फॉर्मूला, मतलब देखो समझाने में कितना टाइम लगता है, सुना बेटा। नोबिता याद है तुम्हें? नोबिता को 9,000 रुपए आए थे हाथ में, और नोबिता ने लौटाया कितने शिजुका को? 12,000। तो डिनोमिनेटर में मैंने क्या ले लिया? 9,000 ले लिया। अरे यस सर मैंने डिनोमिनेटर में 9,000 ले लिया। पर बेटा कुछ लोग बोलते हैं तुमने डिनोमिनेटर में 9,000 लिया तो लिया क्यों? तो मैंने बोला क्योंकि मैंने उतना पैसा इस्तेमाल किया है, मैंने जितना पैसा इस्तेमाल किया वही डिनोमिनेटर में लूंगा ना, यही तो कायदा होता है। लेकिन फिर कुछ लोग चिल्लाने लगे, बोले तुमने 12,000 लौटाए क्यों? तो बोलता है कि मुझे उस पैसे की जरूरत थी, मेरे को 9,000 हाथ में आया मैं मानता हूं, लेकिन उस पैसे की वर्थ मेरी नजरों में बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं 12,000 तक वापस लौटाने के लिए आ गया।
ध्यान से सुनना, आर्गुमेंट क्या था? आर्गुमेंट ये था कि 9000 क्यों लिया, तो मैंने बोला द अमाउंट व्हिच आई एम यूजिंग नीचे वही होगा डिनोमिनेटर में, पर तूने 12000 क्यों लौटाया? जब तूने यही 9000 तो 12000 क्यों लौटाया? तो बोले वो 9000 की इंपॉर्टेंस मेरी कंपनी के लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्यादा थी, इसलिए मैं 12000 तक लौटाने निकला हूं। वो तुम्हें 9000 कैश फ्लो दिख रहा है, पर मेरी नजरों में देखो 12000 से मैं ज्यादा देने के लिए रेडी था। तो बोलते मतलब तू मानता है कि वो 9000 नहीं थे 12000 थे? बोलता हां, तो फिर भैया 12000 ले। तो लड़ाई हो गई बेटा, खून खराब हो गए। लोग बोलते कि भैया जितना पैसा आया वो लेना है, कुछ लोग बोलते नहीं जितना लौटाया उतनी उस पैसे की बात है उतना लेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों का एवरेज मार दिया, तू भी खुश मैं भी खुश, और ये फॉर्मूला तैयार हो गया बेटा, ये फॉर्मूला तैयार हो गया। और इस फॉर्मूले का नाम है अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये फाइनल, तो भैया कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला है इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स प्लस आरबी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय द होल डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। देखो ये फॉर्मूला समझाने में समय लगता है, ऐसे में एफएम के फॉर्मूले बहुत डेप्थ में समझाता हूं, इतना टाइम तैयार होने लगा, पर बेटा मजा भी आएगा देखो इस फॉर्मूले में। नोबिता हां, अब आप लिख सकते हैं, अब मैं नोमेनक्लेचर पूरा कर देता हूं, अब आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। अरे नोबिता तो सच में शिजुका निकले, अरे मोरी मैया देखी सुखी रोएगा, ये लिखना है। हर क्लास में एक ऐसा लड़का होता है लड़की बन गया, ऐसे लड़की होती लड़का बन गया। हीना, हीना कौन? अच्छा ये हीना दुआ है, अबे हीना दुआ तू, इसको तो मैं जानता हूँ बचपन से। अच्छा ये हीना है, सब एसबी की क्या था? मैं बता रहा हूँ, पॉइंट का आ रहा हूँ, उसने हमें आ रहा हूँ। अब लिख लो एक पॉइंट समझाना, फिर अपन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। चिंटू कैंडी क्या है? चिंटू कैंडी, चिंटू कैंडी, ये झालक है, ये झालक नहीं झाला, झाला सर। देखो बेटा कई बार ना क्वेश्चन में नेट प्रोसीड वर्ड लिखा रहेगा, सीएमपी लिखा रहेगा। अब आप बोलेंगे सीएमपी क्या है? सर ये सीएमपी क्या है बेटा? सीएमपी मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस। इमेजिन करो मैं कंपनी हूँ, ठीक है, इमेजिन करो मैं एक कंपनी हूँ, तुम इन्वेस्ट करो। मैंने बोला मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूँ, तुम खरीदोगे क्या? तुम बोले हाँ सर खरीदेंगे खरीदेंगे खरीदेंगे। तुमने पूछा सर कितने में दोगे? मतलब ताली इतना तू क्या लेगा? तुमने क्या बोला? सर आपकी कंपनी का डिवेंचर मार्केट में 150 रुपया में लिस्ट करा था, मैं 150 रुपया देगा। तो बताओ तुम एक इन्वेस्टर हो, मैं ताली इतना मांग रहा हूँ, तुम वो दोगे या बेटा मार्केट में जो रेट चल रहा है करंट मार्केट प्राइस? करंट मार्केट प्राइस दोगे। गिवन इन क्वेश्चन सीएमपी लेंगे। तो कई बार क्वेश्चन नेट प्रॉफिट और लिखते नहीं सीएमपी, तो बचाओ सीएमपी की तो नेट प्रॉफिट सीएमपी 150 रुपया क्या बस 150 150 समझे। ओके इसको बोलते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है सर फुल फॉर्म है। अच्छा हां तुमने मेरे बात बैग नहीं बैग बात बैग मतलब सुनो बेटा, मान लो अगर तुम्हें क्वेश्चन में रिडक्शन के बारे में बताया ही नहीं है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में रिडक्शन के बारे में बताया नहीं, नहीं ऐसा क्या वन ईयर थोड़ी रहता परपेचुटी रहता बेटा फिर तो। अगर रिडक्शन के बारे में नहीं बताया है, अभी लिखना मतलब कुछ, तो वो हो जाएगा इररिडीमेबल। अब आप बोलेंगे सर हमने तो कंपनीज एक्ट पढ़ा है मैक्सिमम टर्म फॉर रिडक्शन इज 20 ईयर, तो उस केस में 20 ले लेंगे क्या? द आंसर इज नहीं बेटा। कंपनीज एक्ट जो है वो इंडिया का लॉ है, वो इंडिया का कानून जो कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। हम तो ग्लोबल सिनेरियो पढ़ते हैं, तो हमें कोई पता यूएस में क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है। तो अगर हमें क्वेश्चन में रिडक्शन नहीं दे रखा है, तो हम लोग क्या मानेंगे? इररिडीमेबल है, यानी परपेचुटी तक, जिंदगी भर तक। आप बोलेंगे सर लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे पैसा क्यों लगाएंगे? क्यों लगाएंगे भैया, जब जीवन भर आपको 10-12% इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी तो लोग लगाते हैं। तो सर अगर रिडक्शन नहीं हो रहा है तो इसको इररिडीमेबल बोलेंगे? यस। यहां तक समझ में सर? रुको ना मैं क्लियर कर रहा हूं, आप आगे का मैं कुछ बताता हूं आपको। मतलब रिडक्शन नहीं हो रहा है बराबर, तो सर रिडक्शन नहीं हो रहा है, हां नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या? इसको ऐसे कह सकते हैं बेटा इनफिनिटी पर जाकर रिडक्शन हो रहा है? क्या हम ऐसे कह सकते हैं कभी रिडीम नहीं हो रहा है, मतलब इनफिनिटी पर जाकर रिडीम हो रहा है? जैसे आपने हीरा फेरी मूवी देखी थी, उसके अंदर अक्षय कुमार बोलता है मैं नहीं जाऊंगा इस घर का किराया भाड़ा देने के बाद ही जाऊंगा, तो बाबूराव तुरंत इंटरप्रेट कर लेता है मतलब तू कभी नहीं जाएगा। तुम समझे बाबूराव का इंटरप्रिटेशन स्किल एकदम ओपी लेवल का बेटा। वो बोलता है मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं इस घर का पूरा भाड़ा देकर जाऊंगा, तो बोलता है मतलब तू कभी नहीं जाएगा। उसका मतलब यही है इनरिडीमेबल का मतलब क्या है? इनफिनिटी पर जाकर रिडीम होगा, इनफिनिटी। तो एन कितना हो जाएगा? इनफिनिटी लिखना मत, तो बेटा एन कितना हो जाएगा? इनफिनिटी। इनफिनिटी मतलब क्या होता है बेटा? वेरी बिग नंबर बेटा। न्यूमरेटर को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड कर देंगे तो नंबर इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विल बिकम नेगलिजिबल एंड विल बिकम ऑलमोस्ट जीरो, व्हिच इज जीरो। बेटा जब रिडम्पशन होना ही नहीं तो आरबी आएगा ही नहीं, जब आरबी है ही नहीं तो प्लस की बात है ही नहीं, खून खराब झगड़े ही नहीं। तो लो भैया अगर तुम्हें क्वेश्चन में रिडम्पशन के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है तो तुम्हारा फॉर्मूला सिर्फ इतना सा रह जाएगा। सो दिस इज कॉस्ट ऑफ डेट इन केस ऑफ इररिडीमेबल, ठीक है। हां ये लिख लो, सिर्फ इतना लिखेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे।
कॉस्ट ऑफ डेट इररिडीमेबल एंड नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर दोस्तों, अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। दो मिनट ब्रेक ले लो जी, ले लो, मंडे कोई प्रॉब्लम ना है, ले लो। तो मैंने आपको सिर्फ दो ही फॉर्मूले सिखाए, अब तक क्या बात कर सकते, इतना स्लो से लेता जा रहा है, तुम टेंशन मत लो। ये मैं करीब 15 या 16 बार पढ़ा चुका हूँ, क्या करें दो मिनट का ब्रेक में, बेटा मैगी बना दो, ठीक है, दो मिनट में तो वो भी नहीं बनती बेटा, ठीक है, किसी को अपना बना लो, वो तो जन्मों में भी नहीं बनते, लो छोड़ दो मैगी, ठीक है मैगी ठीक है बेटा, मैगी 5 मिनट खाएगी। मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं वही लिख रहा हूँ फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, में बल्कि स्पेलिंग गलत भी है, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रिया तू लड़की है ना पक्का, या लड़का है तू? ये शौक लड़कों के होते हैं? हाँ सर लड़की, ये शौक लड़कों के होते हैं। अब ये रोहन ने मांगा होता तो समझ में भी आता, देखो क्या करना है। ऐसा एनएसपी करना है, ठीक है तो चलो आज हम पहले प्रिया की फोटो दिखाते हैं। प्रिया तू मत डाल तेरी फोटो, मैं यहाँ पे ऑटो पिक कर लूंगा, तो टेंशन मत ले, तेरा डीपी उठा लेते हैं, ठीक है तेरा डीपी दिखा देते हैं। नहीं नहीं सर, खुद पे आता तो देखो, दिखा दे क्या सर, दिखाओ। चलो अब भैया सीनो ने बोल ही दिया तो दिखाई देते हैं, ये एनएसपी करनी तुमको, तेरी फोटो दिखा। ये है प्रिया, ये नैन सुख प्राप्ति करना चाहती है, आज सब प्रिया को देखेंगे। हेलो प्रिया, ये तो सच में प्रिया निकली, हमें लगा बेटा लड़की के वेश में लड़का एंजल प्रिया बनके आने वाला था। ओह माय गॉड्स, यू आर रियली अ गर्ल, वी आर ग्लैड दैट एटलीस्ट कोई लड़की बोल के लड़की तो आ रही है, दैट्स गुड, ओके नाइस, वाह प्रिया, ओके ओके बेटा डीपी हटाओ, चल फ्लोटेशन कॉस्ट ब्रोकरेज। बेटा डोरेमोन ने थोड़ी देर पहले ब्रोकरेज खाया था, बीच में ब्रोकरेज खाया था, 10,000 रुपए के शेयर इशू करे थे, 10,000 रुपए के डिबेंचर इशू करे थे, 1,000 रुपए का ब्रोकरेज खाया था। अब डोरेमोन को हमने दलाल बोल दिया, ये तो दलाल निकला, बुरा मान गया हमने, बोला तो ब्रोकर है बुरा मान गया, वो बुरा ही मानेगा, तो उसकी जगह हमने एक नया वर्ड यूज करना चालू कर दिया, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब होता भैया बेटा ब्रोकरेज ही होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है ब्रोकरेज ही, कुछ अलग नहीं है सर, ऐसा क्यों नाम दिया इसको फ्लोटेशन कॉस्ट? जब हम सिक्योरिटी शेयर बॉन्ड डिबेंचर मार्केट में इशू करते हैं तो ऐसा नहीं बोलते हैं इशू द सिक्योरिटी, बोलते हैं फ्लोटेड द सिक्योरिटी टू मार्केट, बस टर्म है, तो वहां से बड़ा फ्लोटेशन कॉस्ट, यस पोलाइट वर्ड, उसको मुंह पे दलाल नहीं बोलना था, तो बोला यूट्यूब फ्लोटेशन कॉस्ट। चलिए फ्लोटेशन कॉस्ट इन दिस मेथड, इन दिस मेथड is calculated as a percentage of face value only. ये point को ना कम से कम 1,500 star मार देना। Flotation cost in this method ऊपर सिखाए गए formula में in this method. Sir ये बताओ flotation cost को कोई दिख नहीं रहा है? आपने flotation cost को star मार करने के लिए बोला, flotation cost तो दिख रहा है बेटा। ये जो net proceed है ना, ये net proceed आता कैसे? Flotation cost minus करके आता। बेटा लेट्स से मेरे डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज, करंट मार्केट प्राइस है 115, फ्लोटेशन इज इक्वल टू 5%, रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू 106, लाइफ इज इक्वल टू 15 ईयर, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12%, टैक्स इज इक्वल टू 30%। जरा ध्यान देना सर, स्टार करके 2 के लिख दिया, इररिडीमेबल भी, रिडीमेबल भी, अभी बताए गए सारे फॉर्मूले में सब जगह, आर्मी तो सीएमपी से कब, ध्यान दो ध्यान, तो हो सकता है ना, मैंने बताया डिस्काउंट रिडम्पशन होगा, टैक्स प्लानिंग, आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, मैं ज्यादा वो नहीं लगाना है, उधर ध्यान दे। फॉर्मूला क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला, पहले बताओ रिडीमेबल या इररिडीमेबल, टेल मी इज इट रिडीमेबल और इररिडीमेबल, आई थिंक इट इज रिडीमेबल क्योंकि लाइफ देयर किया, तो फॉर्मूला आएगा इंटरेस्ट, बेटा इंटरेस्ट कितना पे करोगे देखकर बताइए, इंटरेस्ट कितना पे करोगे, इंटरेस्ट पे होता है फेस वैल्यू के ऊपर, यस इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पर पे होता है, तो 100 इनटू 12% बेटा, जो 12% किसका, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हो गया इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स, यहां तक क्लियर हो बेटा, प्लस आरवी रिडम्पशन कितने में होने वाला है 106 में, माइनस एनपी, एनपी वर्ड की जगह क्या यूज किया इन्होंने, एनपी वर्ड की जगह क्या वर्ड यूज किया, 115, पर बेटा आप जरा सोच के बताइए क्या मेरे पास 115 रुपए हाथ में आएंगे या कुछ कटेगा, कटेगा कितना कटेगा और किसका कटेगा, रोशन तू इस पे थोड़ी सी लाइट डाल, प्रकाश डाल, कितना कटेगा और किसका कटेगा बेटा, कटेगा 5% लेकिन 100 का सर, अरे 115 का शेयर अगर 115 में मिल रहा है तो 5% भी ब्रोकरेज तो उसी का लगना चाहिए, लगना चाहिए 5% तो उसी का लगना चाहिए, अरे भैया जितने का माल बिकवा रहा है उसी का 5% लेगा ना, अब एमआरएफ का शेयर 70,000 का है, अगर 2% ब्रोकरेज है तो उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए पे 2% 2 रुपए नहीं लेगा, 70,000 पे 2% 1400 रुपए लेगा, तो 115 भी आना चाहिए, चाहिए पर इंस्टीट्यूट का अजम्पशन है, इंस्टीट्यूट ने बोला भाई लेना है मतलब लेना है, तो इंस्टीट्यूट बोलेगा 115 - 2% of 100, ओ सर दिस इज द रॉन्ग्स ना, दिस इज बिजनेस, ये फॉर्मूले में इसीलिए 5
लाइफ 15 है ना, अच्छा 2, ओके, दिस इज बिजनेस. सेटिस्फाई योरसेल्फ. अगर आप इस फॉर्मूले को ऐसे ब्लाइंडली एकदम धड़ल्ले से यूज करना चालू करोगे तो गलत कर दोगे. फॉर्मूला बहुत है. इंटरेस्ट, एक एक एलिमेंट को समझिए. इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, तो लो भैया इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया. इनटू 1 माइनस टैक्स प्लस आरबी, आरबी दे रखा है. माइनस करेंगे आप नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड वर्ड की जगह सीएमपी लिखा है, तो सीएमपी. मैं सीएमपी लेस करने जा ही रहा था कि मुझे फ्लोटेशन दिख गया. अरे 115 में शेयर मार्केट में बिक रहा है, लेकिन दलाल खड़ा है बीच में, 5% काट लेगा, तो 115 का 5% काटना चाहिए था. पर इंस्टीट्यूट के अजम्पशन के हिसाब से 115 का 5% ना काटते हुए ये फेस वैल्यू का 5% काटते हैं. ये घातक, जहरीला, खतरनाक, खूंखार, धुआंधार, बेकार सा पॉइंट है, लेकिन ये आपके पूरे मार्क्स ले जा सकता है, या पूरे मार्क्स ले जा सकता है. लेकिन एक बात याद रखना, ये वाली गलती इंस्टीट्यूट ने पिछले 10 साल से दोहराई है इस मेथड में. सर क्या और भी मेथड है? अरे भैया चैप्टर पढ़ रहे हो मेथड तो आएंगे. सर रियलिटी में तो 115 का 5% होता है, मैंने बोला ना रियलिटी में तो सही चीजें होती है. ये घातक गलती करी इंस्टीट्यूट ने, और मुझे लग रहा है इंस्टीट्यूट धीरे धीरे अपनी गलती सुधार रही है. बोलोगे कैसे? मुझे पता है कैसे सुधार रही है. आपका ये आंसर आएगा, ये फाइनल फाइनल एडजस्टमेंट, इसका कोई एडजस्टमेंट आप देखेंगे सिर्फ क्यों स्टार्ट करो, वो लिखना बाकी. पर आपको समझ में तो हम लेटर लिखे आईसीआई को, आईसीआई को पहले पता आईसीआई करेक्टिंग इट्स मिस्टेक. बट बेटा पास्ट के पेपर तो आईसीआई चेंज नहीं कर सकती, पास्ट कैसे बदलेगी? तो पास्ट में गलतियां करी, पिछले 3 साल से इंस्टीट्यूट ने गलती करना बंद कर दिया. रदर इंस्टीट्यूट ने फ्लोटेशन कॉस्ट का इस्तेमाल ही कम कर दिया. बोले जब तक पुराने मटेरियल मॉडल उड़ नहीं जाते तब तक हम लोग फ्लोटेशन का एक छोटा सा पॉइंट इग्नोर करते हैं, हमसे गलती हुई थी. तो आप लिखिए ना. अरे भैया लिखेंगे नहीं तो क्या? ईगो प्रॉब्लम है, पास कैसे करेक्ट करेगी? पास कैसे करेगी? अमेंडमेंट है ना, इसका एक नया मेथड भी है ना. चलिए बुक ओपन कर लीजिए. सर की खुशी नहीं, मैं इसलिए हंसा, वो रीजन बता नहीं सकता तुम्हें, प्रोफेशनल रीजन था. YouTube के SOPs है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. 30 सेकंड के इंटीग्रेशन के लिए 9 पॉइंटर्स है, मतलब आप ले पर्सनल रीजन होता तो मैं तुम्हारे सामने क्यों हंसूं, या फिर मैं छोटी बोलूं? सर 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 बोलो बेटा, समझ में आया क्या? पहले मुझे बताओ फॉर्मूला जो मैंने डेप्थ में बताया इसके पीछे एक एक रीजन की है. बेटा इंटरेस्ट फॉर्मूला तो बहुत सिंपल होता है. अगर हमें कॉस्ट निकालनी है परसेंटेज में, कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल लेते हैं. कॉस्ट बेटा डेट के केस में कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट के कारण टैक्स सेविंग होती है, तो 1 माइनस टैक्स कर लिया. कई बार क्या होता है सर, आते 10,000 है, लौटाने 12,000 पड़ते, तो वो भी कॉस्ट है. प्लस आरबी माइनस एलपी, जो एडिशनल प्रीमियम पे किया, वो भी कॉस्ट है. और हो सकता है वो आपको 10 साल में लौटाने हैं, तो वो जो 2,000 रुपए कॉस्ट है, 1 साल की थोड़ी 10 साल की कॉस्ट है, तो डिवाइडेड बाय झगड़ा हुआ था आरबी प्लस एनपी का, इसको यूज करना, तो दोनों का इस्तेमाल कर लिया. इंक्रीमेंटेड भाई है, आदर्श चमक रहा है ये लड़का ना, लाइफ में देखना बहुत बड़ा नाम करेगा. हाँ में करता ये लड़के पर मेरे को इतना विश्वास है, रोशन भी मेरे को ऐसा लगता है. करता हूँ, करते हैं ऑटोग्राफ क्या, मतलब बाकी बच्चों से भी कुत्ता लगा हुआ है, बट ये लड़के को लगते हैं अलग लगते हैं, बिल्कुल अलग ब्रीड के लगते हैं. रोहन भी, दिव्यांशु, प्रियांशु के दादा, ऐसा पर्सनली मत ले लेना. चल क्वेश्चन नंबर 1, अमन भी. हाँ अमन के ऊपर मेरा खास ध्यान है, एक्चुअली ध्यान है मेरा उस पर. हाँ सही भैया, सदीश और प्रियम, इनका तो कोई बोलने की जरूरत नहीं है, सिंसियर होता है. अलग ब्रीड, अरे वो ब्रीड नहीं रहे. अर्जुन तू भी, अर्जुन के साथ तेरा इंटरेक्शन कम हुआ ना, तो इन लोगों से बहुत हो चुका है. चलिए ये क्वेश्चन आपकी बुक में है. हाँ रंजन कहाँ था, तो चुप बैठा था सबसे. ये क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक में ही है. क्वेश्चन देखें, आंसर निकालेंगे. 5 ईयर अगो महिंद्रा लिमिटेड इशू 12% इरिडीमेबल डिबेंचर. ओ माय गॉड, द लवली गॉड्स. सर इरिडीमेबल यानी फॉर्मूला तो चिंटू सा हो गया, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100. ओ माय गॉड्स. हाँ सो 5 ईयर्स अगो महिंद्रा लिमिटेड इशू 12% इरिडीमेबल डिबेंचर एट ₹103. तो बेटा कितने रुपए में इशू किया, कितने रुपए में इशू किया? 103 एट अ प्रीमियम ऑफ 3. करंट मार्केट प्राइस इज 94. लो भैया करंट मार्केट प्राइस मेरे इंपॉर्टेंट दे दिया. Tax rate 35%. What is the cost of debenture capital? तो पहले तो formula put करो. Cost of debt is equals to interest into 1 minus tax. Irredeemable है. और नीचे आ जाएगा net proceeds की जगह CMB. इस value को question में दे नहीं रखी है. दे रखी है question. Question में आपको बोला 103 में issue किया था, जिसमें से 3 रुपया premium है. यानी face value हो गई 100 रुपया. बेटा आप लोगों ने 100 assume कर लिया तो गलत है. 103 में से 3 premium हटाना था, ऐसे 100 आया तो ठीक है. आपका ये answer आ जाएगा. लिख लेंगे solution. Solution लिख लो बेटा, जल्द से जल्द. चाल से जाल स्लॉचन लिख लो. डन. अगला क्वेश्चन करें, बस इतना ही था सॉल्यूशन. ऐसा नहीं कि सर मेथड फॉर्मूला के लिए ही है बस. अगला क्वेश्चन, कंपनी इशूड ₹10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच. सर ये 10,000 क्या है बेटा ये नंबर. अगला क्वेश्चन करें, बस इतना ही था सॉल्यूशन. ऐसा नहीं कि सर मेथड फॉर्मूला के लिए ही है बस. अगला क्वेश्चन, कंपनी इशूड ₹10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच.
सर ये 10,000 क्या है बेटा, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, मेरे को इसका कोई काम नहीं है, मुझे तो पर्सनल नंबर ऑफ डिवेंचर, मुझे तो पर डिवेंचर कैलकुलेशन क्या तो भी चलेगा, मैं पर डिवेंचर ही कैलकुलेट कर लूं, मुझे टोटलिटी में करने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट को 10,000 से मल्टीप्लाई करो, नेट प्रॉफिट को 10,000 से मल्टीप्लाई करो, सभी चीज को 10,000 से मल्टीप्लाई करो, इससे बेटर मैं पर शेयर में कैलकुलेट करूं तो भी वही बात होगी। समझ रहे आप मेरी बात बेटा, अगर आप पर डिवेंचर पर शेयर कैलकुलेशन करेंगे या 100 × 10,000 करके 10 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे बात उतनी ही आएगी। आप पर डिवेंचर के हिसाब से करें 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, तो बेटा 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, बेटा बताओ कितने में इशू किया होगा, कितने में इशू किया होगा मैंने, 110 में, on 1st April 18 to be matured by 1st April 23, life कितने साल की नजर आ रही है, 5 साल, the debenture will be redeemed on maturity, calculate the cost of debenture assuming tax rate 35%, जरा ध्यान देना, formula लिखिए बेटा, interest into 1 minus tax plus RV minus NP divided by N, the whole divided by RV plus NP divided by 2, ध्यान देना, interest कितना आएगा बेटा, interest कितना आएगा, in rupees, 10 रुपए, tax कितना आएगा, 1 minus 0.35, redemption value दी नहीं है, और इस पर चर्चा करेंगे, सर अगर redemption value नहीं दिया तो क्या है? क्या उसे फेस वैल्यू ले या इशू प्राइस ले, फेस वैल्यू ले या इशू प्राइस ले, 100 ले या 110 ले, करेक्ट 100 ले, उसके पीछे रीजन है, लॉजिकल रीजन है, आपने इशू किया 110 में, ये तो उस दिन की अरेंजमेंट थी, अगर रिडम्पशन के बारे में कुछ बोला नहीं हो, रिडीम करना है तो फेस वैल्यू पर होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, द होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी, इंटरेस्ट अमाउंट इनटू 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, द होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी, लिख लिया, नोट, इफ आरवी इज मिसिंग, अज्यूम आरवी इज इक्वल टू फेस वैल्यू, आरवी इज नॉट इक्वल टू सीएमपी, और नेट प्रॉफिट बराबर नहीं है, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है इस चैप्टर में, तो शुरुआत करें, हो गया, हम रिवीजन करेंगे इसका, डोंट वरी, यहाँ पे मैंने क्लासरूम की नोट्स में सब लिखा है, लेकिन अब मैं वो यूज नहीं करता, मैं हाथ से लिखाता हूँ, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4.1 पे आइए, आगे सब बच्चे 4.1 डीडीएस लिखिए, नोट, इफ आरवी इज इक्वल टू फेस वैल्यू, आरवी इज नॉट, तो शुरुआत करिए, हो गया, हम रिवीजन करेंगे इसका, डोंट वरी, यहाँ पे मैंने क्लासरूम की नोट्स में सब लिखा है, लेकिन अब मैं वो यूज नहीं करता, मैं हाथ से लिखाता हूँ, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4.1 पे आइए, आगे सब बच्चे 4.1 डीडीएलजे लिमिटेड हैज इशू 5 lakh rupees 1 ऑर्डिनरी शेयर हुज एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस, ये तो हमने पढ़ाई नहीं आपका, बैक स्लाइड पे, ये तो अभी हमने पढ़ाई, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, तो के ही निकला, वो नहीं करना, वाईफाई चला गया था, ओके लिखो बेटा जल्दी, डीडीएलजे लिमिटेड दिन दहाड़े दुल्हनिया ले जाएंगे लिमिटेड, हम बाद में देखेंगे क्या मतलब, वो दिल वाले दुल्हनिया था, वो दिन दहाड़े ही था, नचवा लो मेरे को, एक बोलता प्रीवियस स्लाइड, एक बोलता ये साइड, हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने सीखा नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला क्वेश्चन है, आप ऐसा नहीं करोगे लगता तो है, संभव है, आइए क्वेश्चन नंबर 4.2 अ कंपनी इशूड 10 लाख 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, तो बेटा एक डिवेंचर कितने का है, एक डिवेंचर कितने का है, 100 रुपए की फेस वैल्यू, 12% इंटरेस्ट, मैं साइड में लिखता हूं, तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू 100, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12%, मुझे तो इंटरेस्ट अमाउंट में चाहिए रहता है, दैट इज 12 रुपीज, द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर, टैक्स इज 35%, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट इफ केस नंबर 1 डिवेंचर इज इशूड एट पार, केस नंबर 2 डिवेंचर इज इशूड एट डिस्काउंट, केस नंबर 3 डिवेंचर इज इशूड एट अ प्रीमियम, बेटा देखो यहां पर 3 केस दे रखे हैं मेरे को, इन्होंने मेरे को बोला आपको एक बार अज्यूम करना है कि डिवेंचर का इशू प्राइस, इशू करना मतलब सर मैंने सामने वाले को बेचा और उतना पैसा मेरे पास आया, इशू प्राइस इशू किया मतलब दैट इज माय नेट प्रोसीड, एक बार आपको नेट प्रोसीड अज्यूम करना है 100, एक बार आपको करना है अज्यूम 90 और एक बार करना है 110, बट द ओनली प्रॉब्लम इज यहां पर हम लोगों को बोला 7 साल में रिडीम होने वाला है पर आरवी ही नहीं दिया है, तो आरवी कितना लेंगे, वेरी गुड, अभी 5 पॉइंट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 3 केसेस बनेंगे इसके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं और अच्छे से सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.2 वी विल सॉल्व, यू विल सॉल्व, ठीक है आंसर निकालो, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 2
36% तो शायद नहीं होगा किसी का भी। चलिए अब मैं सॉल्व करूं, ठीक है। तो भैया कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन द होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 200। इसका आंसर आएगा 12 माइनस 35% 7.8%। दूसरा ये था व्हेन इशूड एट पार, दूसरा व्हेन इशूड एट, दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला था 10% डिस्काउंट। तो फॉर्मुला हो जाएगा इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स। आप बोलेंगे सर आपने फॉर्मुला नहीं लिखा, ऑफ कोर्स मैं फॉर्मुला लिखूंगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते तो प्रैक्टिस के लिए रखें। इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन द होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100। कितना आएगा ये आएगा 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 7.8 डिवाइडेड बाय 95 इनटू 9.714% ब्रोकरेज भी है ना, ब्रोकरेज वो अगला क्वेश्चन है, वो पार्ट डी है, आल्सो फाइंड आउट द कॉस्ट, वो अगला है। ये स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आप शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, मैंने यहां तक ही करवाया अब तक, उसके बाद यही सारे क्वेश्चन विद ब्रोकरेज भी करेंगे। तो अगर आपने विद ब्रोकरेज कर रखा है तो कोई बात नहीं, कंफर्म कर लेना, मैं वो भी करने वाला हूं। व्हेन इशूड एट प्रीमियम इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन द होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100। ये हो जाएगा 100 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 7.8 डिवाइडेड बाय 105 इनटू 100, 6.068%। अब बोल रहे देखो आगे नया पार्ट बोला है, दोनों इंडिपेंडेंट पार्ट थे। आल्सो फाइंड आउट द कॉस्ट इफ ब्रोकरेज इज 2%। बेटा 2% ब्रोकरेज है, तो मुझे बताओ जब मैं इशू करूंगा पार पे तब ब्रोकरेज कितना लगेगा, 2% ऑफ 100 रुपीस, 2 रुपीस। जब मैं इशू करूंगा 90 रुपीस पे तो ब्रोकरेज लगेगा 90 रुपीस का 2%, 1.8 रुपीस। नहीं बच्चों, ब्रोकरेज तो 2 रुपया ही लगेगा। सत्यम, गलत, वही तो सिखाया था मैंने। अगर मैं इशू करूंगा प्रीमियम पे भी तो ब्रोकरेज 110 रुपए का 2% नहीं लगेगा, 110 रुपए में ब्रोकरेज लेस होगा। और ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू का 2%, ठीक है। तो यहां पे लिखो व्हेन ब्रोकरेज इज पेड at the rate 2%, brokerage is calculated on face value in this method। अभी हमने एक ही मेथड पढ़ा, ये वाला मेथड, इसका नाम है एप्रोक्सीमेशन। जब दूसरा मेथड पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि उसमें अलग होता है। व्हेन ब्रोकरेज इज पेड 2%, ब्रोकरेज इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू इन दिस मेथड, दैट इज 100 रुपीस इनटू 2% इज इक्वल्स टू 2 रुपीस। देयरफॉर नेट प्रोसीड इन थ्री केसेस विल बी 100 माइनस 2 98, 90 माइनस 2 88, 110 माइनस 2 108। समझे क्या? अब ये जो तीन क्वेश्चन करें ना, इसमें ब्रोकरेज भी इंकॉर्पोरेट करके सॉल्व करके बताएंगे। पर ब्रोकरेज कितना है, 2%, 2% किसका, फेस वैल्यू का। तो ये हो जाएगा 98 88 108। बेटा ये पॉइंट समझा क्या? चलिए सॉल्व करते हैं आंसर। हंड्रेड माइनस 98 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 7.8 डिवाइडेड बाय 99 200, 8.16%, 8.167%। दूसरा 12 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 7.8 डिवाइडेड बाय 94 200, क्या 10.121 आ रहा है, 10.121% आ रहा है। और लास्ट वाला बेटा 100 माइनस 108 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 7.8 डिवाइडेड बाय 104 200, 6.40%। बेटा देखो इफेक्टिवली तुम्हारी आंखों को क्या लग रहा था, बेटा एक बार इस क्वेश्चन को समझो जरा। तुम्हारी आंखों को ये लग रहा था कि सर 12% इंटरेस्ट है मतलब 12% कॉस्ट है, पर नहीं बेटा 8% कॉस्ट है, कुछ कुछ केस में तो 6% कॉस्ट है, कुछ केस में 10% कॉस्ट है। तो प्राइमा फेसी जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो थोड़ी आपकी कॉस्ट है। अरे क्वेश्चन में देखेंगे जरा, क्वेश्चन में लिख रहा है कि 12% से इंटरेस्ट पे कर रहा है एक लेमैन अनपढ़। अरे तुम लोग ही एक लेक्चर पहले बोलते कि सर कॉस्ट 12% है, पर आज तुम बता सकते हो कि सर कॉस्ट 12 नहीं 8% है, 10% है, 6% है। समझे? तो स्क्रीनशॉट लो इसका, मेरा जाने का टाइम आ गया है। तीनों बार निकालना बेटा। वैसे देखो आप बोलोगे सर हमें एग्जाम में कैसे समझेगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, ये तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं तुम्हें, ये तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। चलो ऐसा समझो कि ऐसी लाइन लिखी वहां पे, कैलकुलेट ऑल द अबव थ्री केसेस वंस अगेन यूजिंग द ब्रोकरेज, ठीक है, समझने के लिए ऐसा समझो। हां दिखा रहा हूं बेटा निशान, ये तो प्रैक्टिस चालू है। अब मुझे बताओ बेटा क्वेश्चन में से 6-6 बार कैलकुलेशन थोड़ी करवाएंगे, एक बार कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे, एक बार कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक बार कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, एक 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 बार करना तुमको, एक ही क्वेश्चन में सब एक एक बार होता है। वैसे 6-7 बार नहीं, बस गुड इवनिंग सर, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा हूं सर, मैंने कल ही स्टार्ट किया है अभी को सर, क्या मैं आज लेक्चर रिकॉर्डेड देखे तू ना, मंडे का लेक्चर पहले देख, कौन सा मंडे, लास्ट मंडे का लेक्चर सबसे पहले देख, ठीक है, और फिर तू आज का लेक्चर स्टार्ट कर। ये बोला ऑटोग्राफ भाई है तो अपना भाई भाई, ये दिल जैसा तो लगा नहीं, मैं समझ गया, छोड़ भाई भाई। चलो बेटा सिलेक्टर को बाय बाय। तो भैया तुमको बराबर 1 घंटा 56 मिनट 57 सेकंड में छोड़ रहा हूँ। अरे यार शिट, लेट करवा दिया तुमने, बाय टाटा, टेक केयर। रिवीजन करके आना, वैसे रिवीजन कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला देखेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बाय बाय।